सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट। बच्चों, सैंपल पेपर को लेकर फिर से एक बार अफरा तफरी मच रही है हर जगह। तो कहीं ना कहीं सैंपल पेपर जो है, देखो, इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन जहां अभी CBSE फिर से हर न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़ पेपर में, हर जगह आ रहा है कि सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, सैंपल पेपर रिलीज हुआ है। इसका मेन मकसद क्या है सैंपल पेपर का? क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी अलग अलग फेक वेबसाइट चलती रहती हैं कि अभी CBSE का ये आ गया, CBSE का ये आ गया, इन सबको दूर करने के लिए। पहले तो अभी देखो, हमारे पास सबसे बड़ा सिनेरियो अभी क्या निकल कर आ रहा था कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होगा वो दो बोर्ड एग्जाम होंगे एक साल में, है ना। सबसे पहली चीज़ कि दो बोर्ड एग्जाम होंगे, जो कि अभी तक तुम्हें कोई भी क्लियर नहीं कर रहा है क्या 2024 में भी बोर्ड एग्जाम होंगे। मतलब दो बोर्ड एग्जाम होंगे क्या, मतलब 2024 में जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं, क्या ये भी दो बोर्ड एग्जाम होंगे? तो देखो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा जो 2024 का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है 15th of February से, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्जाम होंगे। मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं, सिंगल एग्जाम होंगे। हालांकि बहुत जगह आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्लियर नहीं किया जा रहा है ताकि उनकी वीडियोस चलती रहे, उन पे व्यूज आते रहें, बस एक यही सिनेरियो है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो लोग पिछले कई सालों से CBSE की न्यूज़ दे रहे हैं, वो भी अगर आपको ये क्लियरली ना बता पाए ना कि अभी भाई ये एग्ज़ाम, अभी दो एग्ज़ाम होंगे, तो बेकार है फिर उनका CBSE का न्यूज़ देना, बेवकूफ़ी है पूरी तरह से। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चैनल को चलाने का तरीका है, आप सब जानते हो। क्योंकि CBSE कभी भी ऐसा नहीं है कि अभी एक महीने बाद हमारे सर के ऊपर क्या बैठा हुआ है, हाफ ईयरली एग्जाम अक्टूबर में, मैक्सिमम अक्टूबर में हाफ ईयरली एग्जाम होगा, कहीं कहीं तो सितंबर में भी हैं, या कुछ स्कूलों में एक हफ्ते के अंदर शुरू भी होने वाले हैं। तो क्या अब अक्टूबर के एग्जाम के बाद, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद CBSE बताएगी कि आपका ये पहला टर्म का फाइनल एग्जाम था, इसके मार्क्स ऐड होंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होंगे, जो कि फाइनल एग्जाम 2024 फरवरी के 15 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले आपके जितने भी एग्जाम होंगे, हाफ ईयरली हो गया, ये सब इंटरनल असेसमेंट के जो 20 मार्क्स जाते हैं ना, इसमें आपको हेल्प करेंगे परफॉर्मेंस अच्छी रखना। क्योंकि 20 मार्क्स जो टीचर है वो इन्हीं सबको एड आउट करके देते हैं, प्लस प्री बोर्ड्स हो सकते हैं, दो प्री बोर्ड, तीन प्री बोर्ड, वो स्कूल पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये सोचो कि अब बोर्ड एग्जाम दो होंगे, एक आपका हाफ ईयरली का मार्क्स भी फाइनल में जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टू एग्जाम कॉन्सेप्ट है, ये जो टू एग्जाम कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ये टू एग्जाम कॉन्सेप्ट बेसिकली 2025 वाले एग्जाम से पहले तो स्टार्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। ये एग्जाम स्टार्ट ही होगा 2025 से, उसके पहले तो स्टार्ट होने का कोई चांस नहीं है। तो मेक श्योर, बिल्कुल निश्चिंत रहो, इस बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 2024 का अपना एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करो। अब बात आती है कि CBSE इतना सैंपल पेपर को लेके हाइप क्यों बना रही है, क्योंकि अभी बीच में न्यूज आ रही थी कि हमारे जो केस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो तीन आने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन दो आने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं MCQs का वेटेज और ज़्यादा बढ़ चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 or 4 मार्क्स के क्वेश्चन अब और कम आने वाले हैं। तो CBSE ने सबके मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि भाई, ये जो CBSE का सैंपल पेपर है ना, आप इसी को सॉल्व करो, और ये जिस पैटर्न पे है इसी पैटर्न पे आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। यस, 2024 का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न अगर जानना है, पेपर कैसा आएगा, तो सिंपल सी बात है, CBSE का सैंपल पेपर ले लो और उसी हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही CBSE ने अपलोड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर नहीं मिलता तो तुम सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे तुम मुझे DM कर लेना, यहां पर मैं तुम्हें सैंपल पेपर सेंड करवा दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, दैट्स माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर फॉलो करके DM कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो CBSE की लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड, तो मेक श्योर मुझे DM करके फॉलो जरूर कर लेना, फॉलो करना और फिर DM कर लेना। हाँ, दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि बिल्कुल भी ऑथेंटिक एंड अपडेटेड न्यूज़ के लिए ये चैनल तुम्हारे लिए है। मैं डेली वीडियोज़ कभी कभी नहीं बना पाता, सिर्फ इसलिए कि अगर न्यूज़ नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती की न्यूज़ देकर बच्चों को परेशान करना। जिस दिन न्यूज़ होगी उस दिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए न्यूज आएगी। और हाँ, मेक श्योर हमारे चैनल पे जो न्यूज़ अपडेट होती है वो 7 to 8 PM के बीच में होती है, 7 to 8 PM के बीच में। नॉर्मली इसकी टाइमिंग 8 PM है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। क्योंकि बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर, आपने न्यूज़ नहीं बनाई इस टॉपिक पे। बेटा, न्यूज़ हर टॉपिक पे बनती है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी आपको ज़रूरत है, कोई टॉपिक आपको मेरे चैनल पे छूटेगा नहीं। लेकिन आपने बेल आइकन नहीं क्लिक किया, जिसकी वजह से वो न्यूज़ आपको मिलती नहीं है।
तो मेक श्योर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो, और अपडेटेड रहना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो, डीएम करके कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दो एग्जाम आपके पूरे साल में नहीं होने वाले हैं, एग्जाम कई सारे होंगे बट बोर्ड एग्जाम आपका सिर्फ एक ही होने वाला है जो कि 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड लक।